चलिए बात करेंगे प्रदेश के मौसम की, क्या आखिर प्रदेश का मौसम क्या कहता है। तो आपको जानकारी दे दी कि प्रदेश में तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है और सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है और शीतलहर से लोगों की धूजनी छूट रही है और कई जिलों में घना कोहरा है। माउंट आबू की सबसे पहले बात करें तो माउंट आबू में सर्दी के तीवर बहुत ज्यादा तीखे और आपको जानकारी दे दी कि हाड़ कपाने वाली सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। अलाव का सहारा लोगों के द्वारा लिया जा रहा है और गर्म कपड़ों में सिकुड़ते हुए लोग नजर आ रही हैं क्योंकि प्रदेश के अंदर सर्दी का सितम और बढ़ती सर्दी के को लेकर लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि शीतलहर से लोगों की धूजनी छूट रही है और माउंट आबू में सर्दी के तेवर बहुत ज्यादा तीखे है। जरा आप तस्वीर भी देखिए क्योंकि घना कोहरा और कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी है वो भी कम है तो सर्दी के कई प्रभाव हैं और देखिए बढ़ता कोहरा जो है विजिबिलिटी को कम कर रहा है, वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है और लोगों की धूजनी छूट रही है। अलाव का सहारा लोगों के द्वारा लिया जा रहा है क्योंकि हाड़ कपाऊ सर्दी इस बार पड़ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई। और देखिए अगर माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू के अंदर सर्दी के तीवर बहुत ज्यादा तीखे नजर आ रही है या यूं कहें कि जमकर सर्दी पड़ रही है माउंट आबू के अंदर और ऐसे में जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर कम नजर आ रही है। तस्वीर जरा आप देखिए कि कैसे विजिबिलिटी यहाँ पर इतनी कम है, कोहरा चारों तरफ नजर आ रहा है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कमलेश प्रजापत माउंट आबू से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कमलेश जो देखिए अभी हम माउंट आबू का ही जिक्र कर रहे थे कि माउंट आबू के अंदर हाड़ कपाऊ सर्दी पड़ रही है, तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार जरा आप लाइव तस्वीरें दिखाइए कि फिलहाल क्या कहता है माउंट आबू का मौसम का मिजाज। देखिए इंदु, माउंट आबू के मौसम का मिजाज फिर आज बदला हुआ नजर आ रहा है और शुरुआत सुबह की जो होती है, मेरे हाथ में चाय है और गर्म चाय के साथ जो दिन की शुरुआत है वो होती है क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और मौसम में जो बदलाव है इंदु, उसकी बात करें तो मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ हैं, वो दिखाएंगे कि जो आज माउंट आबू का आसमान है बिल्कुल यहां पर बदला हुआ नजर आ रहा है और आसमान में देखिए यहां पर बादल नजर आ रहे हैं और उसके बीच जो चंद्रमा की जो खूबसूरती है बेहद ही सुंदर नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये बादल छटेंगे इंदु तो उसके बाद जो माउंट आबू के जो फिजाएं हैं फिर बदली हुई नजर आएगी और जो तापमापी का पारा है वो जमा बिंदु के नजदीक यहां पर फिर पहुंचता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कहा जा सकता है आने वाले जो दिन है माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी भरे होंगे। और दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए जो नक्की झील की जो खूबसूरती है उसको निहारने के लिए जो सैलानी है माउंट आबू के इस नक्की झील पर पहुंच रहे हैं और सुबह का समय है, सुबह के समय में यहां पर जो फोटो कैप्चर करने का जो आनंद है कुछ अलग नजर आता है क्योंकि कड़ाके की सर्दी के बीच में मॉर्निंग वॉक के साथ साथ में ये जो तमाम जो खूबसूरती है माउंट आबू की उसको निहारने का यहाँ पर आनंद ही कुछ अलग नजर आता है। इंदु हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो पर्यटक हैं यहाँ पर माउंट आबू घूमने आए हुए हैं इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे इंदु की मौसम कैसा है। मैडम कहाँ से आए आप लोग? अहमदाबाद से। कैसी ठंड लग रही है आपको? बहुत ज्यादा ठंड है। क्या सोचा था माउंट आबू ऐसा ठंडा होगा? जी सोचकर ठंडी का आनंद लेने ही आए। ठंडी का आनंद लेने है। अहमदाबाद में कैसी रहती है ठंडी कुल मिलाकर? यहाँ से थोड़ी कम रहती यहां है। यहाँ से कैसे एंजॉय कर रहे हैं? सुबह चाय की हाथ में है। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ यहाँ पर सज्जन भी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए ठंड, आपने तो कैप भी पहन रखी है, जैकेट भी पहन रखा, ठंड ज्यादा है? नहीं नहीं ठंड ठंड है, अच्छी है, गुलाबी ठंडी है और सुबह में यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग वॉक पे भी निकले हुए, चाय भी पी रहे हैं तो स्पेशल अहमदाबाद से पर्पज ही हमारा यही होता है कि माउंट आबू जाए, यहाँ की ठंडी का लुत्फ उठाए और ठंडी चाय और मॉर्निंग वॉक करे। देखिए मेरे सहयोगी दीपक हैं, तस्वीरें और दिखाएंगे जो चाय की थड़ी है। देखिए इंदु जो चाय की थड़ी के बाहर जो जो सैलानी है, सुबह का समय है और यहाँ पर इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो यहाँ की जो खूबसूरती है उसको निहारने के साथ साथ जो चाय की चुस्कियों का आनंद है वो कुछ अलग है। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैडम कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से। ठंड कैसी है माउंट आबू? नॉर्मल है, हाँ, जो इस बार हर वक्त होती है वैसी नहीं है। हर बार आते हैं आप माउंट आबू? हर बार मोस्टली दिसंबर एंड, हाँ कम लग रही है। नया साल भी आने वाला है मैडम, नए साल के लेकर के क्या प्लानिंग रहेगी क्योंकि माउंट आबू में एक अलग अनुभव होता है नए साल? नए साल का हमारा प्लानिंग जी,
हमारा प्लानिंग तो आने का नहीं है। हाँ। फिर से आना है। देखिए ये जो सैलानी है इंदू, कह सकते हैं कि जो मॉर्निंग वॉक के साथ साथ जो नक्की झील की जो खूबसूरती है उसको निहारने का जो आनंद है कुछ अलग नजर आ रहा है। एक तस्वीरें देखिए और दिखाना चाहूंगा, जो सैलानी है गर्म कपड़ों में यहाँ पर लिपटे हुए नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि माउंट आबू की जो सर्दी है और माउंट आबू की सर्दी का जो आनंद है कुछ अलग नजर आता है। ऐसे में आने वाले जो दिन है इंदू वो बेहद सर्द भरे होंगे, क्योंकि जैसे ही माउंट आबू के आसमान से यहाँ पर बादल छटेंगे और बादल छटने के बाद जो कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ेगी उसके नजारे कुछ अलग होंगे। जी इंदू बिल्कुल कमलेश, और जब हम माउंट आबू की बात करते हैं क्योंकि पर्यटन स्थल है और देखिए न्यू ईयर सामने है, तो ऐसे में जो पर्यटक है वो भी उनकी आवाजाही भी बढ़ेगी। और जब बात माउंट आबू की करते हैं तो माउंट आबू का मौसम तो हमेशा बदलता हुआ ही नजर आता है और ऐसे में दूर दूर से पर्यटक यहाँ पे आते हैं और तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे। तो कमलेश एक बार इसको लेकर भी जानकारी जरा आप दीजिए, क्योंकि आप चूंकि वहां खुद मौजूद है और अभी भी देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में पर्यटक अभी है, तो न्यू ईयर को लेकर क्या लग रहा है, कितनी जो आवाजाही है वो बढ़ सकती है माउंट आबू के अंदर पर्यटकों की? देखिए न्यू ईयर को लेकर के खास तैयारियां यहां पर होती है इंदू। बात करें तो इस बार 29 से 31 दिसंबर तक शरद महोत्सव का आयोजन होगा। इस शरद महोत्सव में राजस्थान और गुजरात की जो संस्कृति है या कहें देश के अन्य इलाकों की जो संस्कृति है उसकी यहां पर झलक देखने को मिलेगी। और 31 दिसंबर की बात करें तो 31 दिसंबर को यहां पर मेगा कल्चरल नाइट होगी, उसका आनंद ही कुछ अलग नजर आएगा। कड़ाके की सर्दी के बीच जो नए साल का आने वाले नए साल का जो जश्न होगा बिल्कुल अलग नजर आएगा। यहां पर कुछ सैलानी भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे इंदू के नए साल को लेकर के क्या प्लानिंग है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम नए साल को लेकर के क्या प्लानिंग है, कैसे प्लान कर रहे हैं आप, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? नया साल तो हर किसी के जीवन में इम्पोर्टेंट होता है, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी नया साल अच्छे से जाए, पर हम अब माउंट आबू में आए हैं तो अभी 2-3 दिन और रुकने वाले हैं। तो वैसे भी माउंट आबू हमारा बहुत फेवरेट है, हम साल में 4 बार आते हैं, पर यहाँ पे नए साल की शुरुआत करना जैसे जीवन में कुछ और रंग भर देना है, क्योंकि यहाँ के नज़ारे हमको बहुत ही कुछ अच्छा फीलिंग देते हैं और हमको नेचर से बहुत प्यार है, तो माउंट आबू में आके हमको बहुत अच्छा लगता है। मैडम फर्स्ट इंडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे नए साल के लिए, जो आने वाला टूरिस्ट है उसको क्या मैसेज देना? आने वाले साल में सभी टूरिस्ट को मेरा हैप्पी न्यू ईयर, और आप यहाँ पे आई है और यहाँ के नज़ारे को एंजॉय कीजिए, ये कोल्ड में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, अपनी ही खूबसूरती में एक ये बहुत ही कुछ अच्छा है। माउंट आबू वो ऐसी चीज़ है जहाँ से जाने का किसी को मन नहीं करता है, हम 3 दिन का प्लान करके आए हो तो 4-5 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। देखिए यहाँ की जो खूबसूरती है इंदू अपने आप में बयां करती है, क्योंकि जो एक बार यहाँ पर टूरिस्ट आता है वो यही चाहता है कि यहां कुछ दिन और रुके और माउंट आबू की जो खूबसूरती है और आने वाले नए साल का जो जश्न है वो अलग तरीके से मना सके। बिल्कुल कमलेश बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें दिखाई उसके लिए। तो माउंट आबू की तस्वीरें आपने देखी कि इस तरह से मौसम का मिजाज बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है।